नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे। देश भर की तमाम बड़ी रुकाम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की, तो बुलेटिन स्वागत करते हैं। पहली खबर से तो वेटिंग टिकटों का झंझट अब खत्म। वंदे भारत और बुलेट ट्रेन को लेकर मोदी सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर जो है बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने इसे मोदी की गारंटी का नाम दिया है। 400 का आंकड़ा पार करने के लिए बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए हैं। तीसरे टर्म के लिए जनता का समर्थन हासिल हो सके, इसके लिए बीजेपी ने कई बड़े ऐलान किए। इसमें रेलवे सेक्टर को लेकर भी जितने वादे बजट में नहीं हुए हैं उससे ज़्यादा घोषणाएँ बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कर दी है। वह ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार और 3 नए बुलेट ट्रेनों जैसा ऐलान जो है यहाँ पर किया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपने जो घोषणा पत्र जो है संकल्प पत्र वो जारी किया। इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने रेलवे को लेकर बड़ा ऐलान किया। बीजेपी ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो अगले 10 सालों में 31,000 किलोमीटर तक का रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। हर साल 5,000 किलोमीटर का नया ट्रैक जो है बनाया जाएगा। इसके अलावा भाजपा ने अपने वादा में ये भी कहा कि साल 2030 तक यात्रियों के ढोने की संख्या में इजाफा कर देगी, इससे ही वेटिंग टिकटों का झंझट जो है खत्म हो सकेगा। भाजपा ने वादा किया कि आने वाले दिनों में वेटिंग लिस्ट जो है उसका झंझट खत्म कर दिया जाएगा। ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी और बोगियों की संख्या भी जो बढ़ाई जाएगी, ट्रेनों की स्पीड भी यहाँ पर बढ़ाने की बात कही। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वही वंदे भारत को लेकर कई बड़े ऐलान भाजपा ने किए। भाजपा ने मोदी की गारंटी की तरह वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की संख्या बढ़ाने की बात कही है। वही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में 3 मॉडलों पर वंदे भारत ट्रेन चलेगी, वंदे भारत चेयरकार, वंदे भारत स्लीपर और वंदे भारत मेट्रो ट्रेन जो है वो देश के अंदर चलाई जाएगी। इसके अलावा बुलेट ट्रेन को लेकर भी भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम भारत तक जो है मेट्रो जो बुलेट ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी। तो ये कुछ मैनिफेस्टो में जो है भाजपा ने जो है ऐलान किए हैं। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बिहार में हिंदी मीडियम के छात्र भी बन सकेंगे डॉक्टर। एमपी की तर्ज पर नीतीश कुमार सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश की तरह जो है अब बिहार के अंदर भी जो है नीतीश कुमार सरकार जो है बड़ा ऐलान कर सकती है। दरअसल हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में मेडिकल की पढ़ाई के लिए हिंदी में, यहाँ पर जो मेडिकल की पढ़ाई वो हिंदी में कराने की दिशा में पहल की है। वह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस संबंध में जो है विभागीय समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में काम करने को कहा। वह इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा काम जो किया गया है, वहाँ की मेडिकल कॉलेजों में MBBS की हिंदी में पढ़ाई हो रही है, इसको लेकर अब बिहार में कैसे स्वास्थ्य विभाग भी उसने कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव के बाद एक टीम MP जाएगी, यही टीम जो है इसको लेकर अध्ययन करेगी। वह स्वास्थ्य विभाग में मध्य प्रदेश के फॉर्मूले पर काम करने का फैसला किया गया है। इसके बाद यहां पर जो मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में MBBS और BDS कोर्स पढ़ाई जो है हिंदी में होगी, इसको लेकर जो है अमली जमा बनाने का काम किया जो है वो किया जा रहा है। बिहार सरकार के लिए काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि सरकार इसके लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से हिंदी में MBBS कोर्स प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। सरकार की कोशिश है कि बिहार के छात्र अपनी मातृभाषा हिंदी में जो है मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर सके और समझ सके, इसे वे ज़्यादा बेहतर डॉक्टर जो है वो बन सकते हैं। तो ये कुछ बड़े फैसले जो है वो यहाँ पर सरकार ले सकती है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो लोकसभा चुनाव का पड़ेगा मोबाइल रिचार्ज पर असर, हो सकते हैं महंगे, सामने आई है रिपोर्ट। देश में जो है चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव का आगाज होने के बाद बहुत सारी खबरें सामने आ रही है। 19 अप्रैल से मतदान शुरू हो जाएगा, नतीजे 4 जून को आएंगे। लेकिन इस बीच मोबाइल टैरिफ को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दावा किया गया है कि चुनाव से पहले टैरिफ प्लान 15 से 17% महंगे हो सकते हैं। रिपोर्ट की माने तो टेलीकॉम सेक्टर में टैरिफ की कीमत जो है 15 से 17% बढ़ने की उम्मीद है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा भारतीय एयरटेल को होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो सीधा असर जो है आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है क्योंकि रिचार्ज महंगे होंगे तो आपको जो है खरीदने के लिए जेब जो है डिली करनी पड़ेगी। इससे पहले दिसंबर 2021 में टैरिफ में जो कंपनियाँ जो है 20% तक की बढ़ोतरी की थी। अब बात करें आखिर किस कंपनी ने रिचार्ज ज़्यादा महंगे करने की बात कही है, कौन सी कंपनी के रिचार्ज महंगे हो सकते हैं। तो बता दें आपको कि रिपोर्ट की माने तो एयरटेल अपने टैरिफ में बढ़ोतरी कर सकती है। वही वोडाफोन आइडिया वित्तीय संकट का सामना कर रही है, ये भी टैरिफ में
जो है कीमतों को बढ़ा सकती है, लेकिन अभी तक कंपनियों की तरफ से इस बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। पर रिपोर्ट बताती है कि फास्ट इंटरनेट के लिए 14 रुपये से अधिक का भुगतान करना पड़ सकता है। अगर आप 5G इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका भुगतान अभी जो है किया जा रहा है उससे 14 रुपये ज़्यादा आपको करना पड़ सकता है। अभी मोबाइल कंपनियां सीधे टारगेट 5G इंटरनेट पर रहेगा, क्योंकि फास्ट इंटरनेट के साथ इसमें ग्राहकों का डेटा का भुगतान भी ज़्यादा ग्राहक करते हैं। ऐसे में मोबाइल कंपनियों की तरफ से कहा नहीं गया है कि इसे पूरी तरह से यहाँ पर कहा जा सकता है। तो ये रिपोर्ट जो है सामने इसमें जिसमें रिचार्ज में बढ़ोतरी जो है वो आगामी दिनों में देखने को मिल सकती है। मोबाइल रिचार्ज वगैरह जो है वो महंगे हो सकते हैं, ये जो एक रिसर्च आई है सामने इसमें जो है रिचार्ज प्लान महंगे हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जो है जो दाम जो है वो बढ़ने वाले हैं, यानी रिचार्ज प्लान महंगे हो जाएंगे। यानी अभी कोई रिचार्ज अगर आप 100 रुपये का कर रहे हैं तो जून के बाद 100 रुपये के रिचार्ज के लिए आपको 70 रुपये देने पड़ सकते हैं। अगर रिचार्ज 84 दिन का कोई 700 रुपये का प्लान है तो उसके लिए आपको जो है 819 रुपये का भुगतान जो है वो करना पड़ सकता है। तो टेलीकॉम कंपनियां लोकसभा चुनाव के बाद जो है टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी कर सकती है, इसका सीधा जो यहाँ पर जो असर जो है आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।